मालवा अतिथि विद्वानों के हड़ताल के चलते कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। सिवनी मालवा स्थानीय कुसुम महाविद्यालय इन दिनों बच्चे औपचारिकता के लिए कॉलेज आ रहे हैं। सुबह आ जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। कारण है कि विगत एक हफ्तों से अतिथि विद्वान हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि हमें नियमित किया जाए एवं हाल में हुई पीएससी परीक्षा को भी निरस्त किया जाए, क्योंकि उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें, कुसुम महाविद्यालय में 13 अतिथि विद्वान है, जिसमें से 9 अतिथि विद्वान के हड़ताल में होने की वजह से लगभग 3200 छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कुसुम महाविद्यालय के प्राचार्य किरण पगारे ने बताया कि हड़ताल की वजह से बच्चों की पढ़ाई तो जरूर प्रभावित हो रही है, लेकिन जो हमारे स्थायी शिक्षक हैं उनके द्वारा क्लासेस लगाई जा रही है। ऐसी आशा है कि आने वाले दिनों में बाकी अतिथि विद्वान भी अपनी हड़ताल खत्म कर वापस आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पढ़ाई न होने की वजह से कॉलेज परिसर में छात्र छात्राएं आपस में गप्पे लड़ाते एवं इधर उधर घूमते देखे जा सकते हैं, जिसे ऐसा लगता है कि कॉलेज प्रशासन का नियंत्रण इन बच्चों पर ना के बराबर है। सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की रिपोर्ट, आज की आवाज। मेरा नाम नीलेश अजवार है। कौन सी क्लास में है? बीए सेकंड ईयर। क्लासेस कब से नहीं लगेगी? क्लास तो काफ़ी टाइम से नहीं लग रही है, फिर अभी एक पीरियड लगता है, बाकी फिर नहीं लगते हैं। टीचर्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, क्लास में बैठ के वापस चले जाते हैं। विनय कुमार। कौन सी क्लास में? बीए सेकंड ईयर। क्लास कब से नहीं लग रही? सर अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, क्लास नहीं लग रही है। आप लोग फिर आते हैं तो क्या परेशानी हो रही है? अभी बिल्कुल पढ़ाई हो पा रही है? नहीं सर, बस आके घूम के वापस जाना। अतिथि विद्वान स्ट्राइक पे गए हुए हैं, तो भारत से अपने कॉलेज से कितने अतिथि विद्वान स्ट्राइक पे? हमारे कॉलेज से 9 अतिथि विद्वान। किस तरीके की कुछ पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्या व्यवस्थाएँ करते हैं? पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, लेकिन उसके लिए हमारा जो रेगुलर स्टाफ है उनको निर्देशित किया गया है कि वो मैक्सिमम क्लासेस जितनी ले सकते हैं।